Good morning, students. Today we are here to listen about the topic genetics. Clear? आज हम genetics के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये हमारे chapter number 3 है 10th IBSE की बुक में और chapter number 9 मिलेगा आपको 10th CBSE की बुक में. That is called as NCERT textbook. ठीक है? Genetics के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले. Genetics होता क्या है? What is the meaning of genetics? Clear? जेनेटिक्स कई लोग कहते हैं जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स. जेनेटिक्स इज नॉट द स्टडी ऑफ जीन्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. ठीक है, जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं. सो इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. क्लियर? हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में आप जेनेटिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हो. अब हमें देखना है हेरिडिटी मींस क्या होता है और वेरिएशंस मींस क्या होता है. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. व्हाट इज हेरिडिटी? ठीक है, हमारे पास सोनू एक मेल है. ठीक है, मेल कैंडिडेट है सोनू. सोनू मैरिज विद सोनी. ठीक है, सोनू की शादी हो गई है सोनी के साथ. अब इनकी जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है, हम देख लेते हैं. इनके टू सन्स हैं, दे आर मोनू एंड टोनू. ठीक है, सोनू और सोनी के दो सन हैं हमारे पास, मोनू एंड टोनू. अब हमें देखना है, आपको पता है दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे पास ही प्रोजेनी ऑब्टेन होगी. और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आप देखेंगे सोनू से कुछ कैरेक्टर्स मोनू में ट्रांसफर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स सोनी से मोनू में ट्रांसफर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स सोनू से टोनू में और सोनी से टोनू में ट्रांसफर होंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्हीं के फ्यूजन से हमारे पास बने. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन होता है. जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो इनके जो हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे वो मोनू और टोनू में देखने को मिलेंगे. तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. इट मींस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. ठीक है, समझ में आया अच्छे से आपको हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट आर वेरिएशंस. इसी एग्जांपल से हम देखते हैं मोनू और टोनू के पेरेंट्स कौन है? सेम है. ठीक है, दोनों के पेरेंट्स सेम है, लेकिन आप देखेंगे मोनू और टोनू एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, फिनोटाइपिकली भी और जीनोटाइपिकली भी. इनमें काफी सारे कैरेक्टर सेम भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों के पेरेंट्स सेम है, लेकिन 100% दोनों एक दूसरे के जैसे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते. क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशंस. अगेन, व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएशन? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. स्पर्म कैरीज डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स एंड एग कैरीज डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स. इनके फ्यूजन से हमारे पास जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी ये प्रोजेनी हमें एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देगी. तो इसीलिए इस तरह के जो डिफरेंसेस हमें प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशंस. क्लियर? तो वेरिएशंस क्या है? डिफरेंसेस अमंग द प्रोजेनी. डिफरेंसेस अमंग द प्रोजेनी. और ये डिफरेंसेस हमें हमेशा कहाँ देखने को मिलेंगे? उन ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. क्योंकि डिफरेंसेस हमेशा होते कहां पर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. और हमें क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस टाइप की कोई प्रोसेस नहीं होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी या जो डॉटर सेल्स हमारे पास बनेंगी वो एग्जैक्टली पेरेंट की कॉपी होती है. आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, वहां पर आपने देखा है कि जैसे अमीबा की हम बात करते हैं तो अमीबा हमारे पास एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ये बाइनरी फ्यूजन की मेथड से डिवाइड होता है और डिवाइड होकर हमारे पास टू डॉटर अमीबी बनाता है. बोथ ऑफ दीज टू डॉटर अमीबी आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर.
Why? Because they are made up of splitting this parent organism. इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के डिवाइड होने पर हमारे पास टू डॉटर अमीबा बन रही है। यहाँ पर कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। यदि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता तो डिफरेंसेस देखने को मिलते। यहाँ पर कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी के फ्यूजन से हमारे पास टू डॉटर सेल्स तैयार हो रही है और ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दी सेल्स टू बी क्लोन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली एक दूसरे के एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है और वेरिएशंस क्या है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जेनेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किए, जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवरी किसने की, जेनेटिक्स का नेम किसने दिया, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्टली, फादर ऑफ जेनेटिक्स कॉल्ड एज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने सबसे पहले पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और जेनेटिक्स के लिए एक बेसिस तैयार किया। ठीक है, उसी चीज को बेसिस मानकर आगे चल के बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर किए। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो हमारे पास टर्म जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स वर्ड और द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय बेटसन। बेटसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, अब फादर में और टर्म में क्या डिफरेंस हो गया, हम छोटा सा एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। हमारे पास सोनू है ना, पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था। सोनू के सन कौन है? मोनू एंड टोनू। सोनू के फादर कौन है? रामू। ठीक है, रामू इज द ग्रैंडफादर ऑफ मोनू। ठीक है, मोनू का कौन हो गया? ग्रैंडफादर। तो जब मोनू का जन्म होता है, जब मोनू का बर्थ होगा, तो उस टाइम पर इसका नेम इसके ग्रैंडफादर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेम तो मोनू कौन दे सकता है? ग्रैंडफादर भी दे सकते हैं, लेकिन मोनू के पैदा होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सोनू एंड हिज वाइफ। क्लियर? दैट्स व्हाई सोनू इज फादर ऑफ मोनू एंड द टर्म मोनू इज गिवन बाय रामू। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखते हैं जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है दैट इज मेंडल, और जो जेनेटिक्स टर्म दी गई है वो किसने दी है? हमें बेटसन ने दी है। दूसरा, हमने हेरिडिटी के बारे में देखा था। The term heredity is coined by a scientist named as Spencer. Spencer scientist ने हमें सबसे पहले बताया था कि heredity क्या है, जो transfer of characters की process थी, उस transfer of characters की process को heredity name किसने दिया था? Spencer ने दिया था। एक और हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, father of experimental genetics. इस experimental genetics के बारे में हम क्लास 12 में बहुत डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन, टी एच मॉर्गन भी हमें कहते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किए थे फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने। द साइंटिफिक नेम और द जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। क्लियर? तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे सबसे पहले थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दैट्स व्हाई ही इज नेम्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्लियर? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने। हेरिडिटी टर्म किसने दिया था? स्पेंसर ने। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है हमारे पास? टी एच मॉर्गन। ये कुछ डेटाज है जो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इन पे भी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इस सबके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कुछ जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, कुछ काफी सारे टर्म्स इसमें आएंगी
जिनका यूज हम जेनेटिक्स के लिए करते हैं, जो हम बार बार यूज करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में देखेंगे कौन सी वो टर्म्स हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज जेनेटिक्स में किया जाता है। फर्स्टली हम पहले नेम देखते हैं, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंस क्या होता है इसको हम देखेंगे बाद में। सेकेंडली वी हैव रिसेसिव कैरेक्टर्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। थर्ड वन फिनोटाइप, व्हाट इज द फिनोटाइप। फोर्थली वी हैव जीनोटाइप। नेक्स्ट व्हाट आर अलील्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अलील्स। नेक्स्टली वी हैव मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट होमोजाइगस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस। नेक्स्ट हेटेरोजाइगस। इन टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्टली वी हैव F1 जेनरेशन, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस। ये हमारे पास वो चीजें हैं जिनके नाम हम बार बार, ये वो टर्म्स हैं जिनको हम बार बार जेनेटिक्स में यूज करने वाले हैं। इसलिए हम इन टर्म्स को अब देखेंगे पहले कि ये टर्म्स होती क्या है। ठीक है, इन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, इनको आप देखेंगे, इनके नेम को आप लर्न करने की कोशिश करेंगे। इन टर्म्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखते रहिए, साथ रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।